किडनैप किया था क्योंकि यार उसने हमारे घर से बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां चोरी करी थी और वो हमारे दुश्मन डगन बॉस के लिए काम कर रहा था। बट यार उसको किडनैप करने के बाद जैसी ये बात डगन बॉस को मालूम पड़े, उसने अपने गुंडों की मदद से ट्रेवर को अपने घर से किडनैप करवा दिया और सीधा हमें ऑर्डर दिया कि अगर एक दिन के अंदर नहीं 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने सही सलामत अंडरवाटर माफिया को उस तक वापस नहीं पहुंचाया तो वो ट्रेवर को मार डालेगा। अब यार देखो ये सब सीन के बाद ना ट्रेवर को बचाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि यार वो अपना बहुत अच्छा दोस्त है, हमेशा बुरे टाइम में काम आता है। बट यार ये काम ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक बार को मान लो कि ट्रेवर को बचाने के लिए हम लोग अंडरवाटर माफिया को लेकर डगन बॉस के पास जाते तो क्या गारंटी थी कि वो ट्रेवर को सही सलामत छोड़ देता? हो सकता था कि वो हमें भी वहीं पर मार डालता क्योंकि इस टाइम उसके सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं। और साथ के साथ उसने तो ये भी बोला था कि उसके पास ऐसी कोई सीक्रेट चीज़ है जिसके थ्रू वो हम सबको एक एक करके मरवा सकता है। अब ये सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बट इस सिचुएशन में एक ही बंदा याद आया और वो था लेस्टर। बट यार आप लोग को तो मालूम ही होगा कि लेस्टर की हालत पिछले एक मंथ से बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी और उसको ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था और वो था ह्यूमेन लैब, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा इंजेक्शन था जिसको लगाने के बाद लेस्टर को तुरंत ठीक किया जा सकता था। तो उसी को चुराने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर चुपचाप से एंट्री मारी और वहाँ के सभी गार्ड्स को मार के वो इंजेक्शन चुरा लिया। और जैसे ही हमने उसे लाके लेस्टर को लगाया, लेस्टर को 1 से 2 घंटे के अंदर ही होश आ गया और लकीली लेस्टर को डगन बॉस के उस प्लान के बारे में भी मालूम पड़ गया जिसके थ्रू वो हमें धमकी दे रहा था कि वो हमें एक एक करके मरवा देगा, हमारा एनकाउंटर करवा देगा। तो उसका प्लान ये था कि हमने आज तक जितने भी क्राइम करे थे ना उन सभी की उसने एक रिपोर्ट फाइल बना के FIB को दे दी थी ताकि वो हमें ढूंढे, उसके बिहाफ पे हमें एक एक करके मार दें। बट डरने की क्या बात, जब तक लेस्टर है अपने साथ तो लेस्टर ने भी एक बहुत अमेजिंग प्लान बनाया FIB के वो सारे प्रूफ्स को मिटाने का। तो हमने क्या करा, पहले ना एक झाड़ू पोछे वाला बन के FIB की बिल्डिंग में एंट्री मारी और वहाँ पर जाकर सफाई करते करते हम लोगों ने वहाँ पर कुछ बॉम्ब प्लांट कर दिए और फिर उस बिल्डिंग से बाहर निकल के बॉम्ब ब्लास्ट करे। और जैसे उस बिल्डिंग में आग लगी तो खुद ही फायर फाइटर बन के आग बुझाने के लिए उस बिल्डिंग में घुस गए और आग बुझाने के बहाने हमने वो सारा का सारा सर्वर डेटा, उसे जितना भी डेटा था वो भी सारा इरेज करके जला दिया और जो इम्पोर्टेंट फाइल्स थी वो भी निकाल के डिस्ट्रॉय कर दी। और अभी फ़िलहाल हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। वैसे अभी ना मेरे को एक गाड़ी जो है मैंने बाहर लाके खड़ी कर रखी थी, इस गाड़ी को ना पहले हम लोग चल के अंदर कर लेते हैं। और यार आज तो वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कि मुझे फटाफट से निपटाने हैं क्योंकि लेस्टर ने प्लानिंग स्टार्ट कर दी है कि किस तरीके से हमें ट्रेवर को डगन बॉस के पास से बचा के लाना है। फिलहाल अपनी गाड़ी में अनलॉक कर लेता हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारी पुलिस वालों की गाड़ियां यहां पर एक साथ आ रही है। क्या हो गया भाई, वेट एक सेकेंड। ओ भाई साहब FIB, ये पक्का इस टाइम पर मेरे ही घर पे आ रही होंगी। बट क्यों भाई, हेलो FIB क्या करने भाई, ये लोग तो अपनी गाड़ी लेके वो भी पूरी की पूरी फोर्स के साथ सीधा अपने घर पर आ चुके हैं। और भाई यहाँ पर एक नहीं दो नहीं काफी सारे FIB के एजेंट्स हैं और बहुत सारी स्वैट भी ये लोग अपने साथ लेकर आए हैं। यार अभी मुझे यहाँ से भागना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं भाग बिल्कुल भी नहीं सकता क्योंकि घर के अंदर लेस्टर है भाई। यार अभी ना मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इन लोग को मार भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास बस एक पिस्टल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 16 बुलेट्स हैं। और भाई इन लोग को देखो तो एक के बाद एक स्वैट सोल्जर्स यहाँ पर आते जा रहे हैं और ये सारे के सारे अपने घर में घुस चुके हैं। भाई यार ये लोग के वेट, मैं सोच रहा था सिर्फ इतने ही हैं पर अभी भी यहाँ पर बहुत सारे स्वैट सोल्जर्स एक एक करके अपने घर में जाने के लिए आ रहे हैं। वेट यार मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी मुझे यार क्या करना चाहिए। इन लोगों ने चारों तरफ से अपने घर को घेर लिया है। यार अंदर लेस्टर है, मैं भाग नहीं सकता, मुझे इनसे जाके ना बात करनी होगी, क्या पता मामला शांति से निपट जाए। अभी ना अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता भी हूँ तो हो सकता है कि ये लोग मुझे बीच रास्ते में ही मार के गिरा दें क्योंकि चारों तरफ से तो इन्होंने घर को घेर ही लिया है। मैं भागूंगा तो मेरे को आराम से देख ही लेंगे।
मुझे ना एकदम ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। गन को अपनी चुपचाप से अंदर रख लेते हैं और चल के एक बारी इनके बॉस से बात करते हैं कि आखिरकार सीन क्या है, क्योंकि अगर मैं चुपचाप से जाके बात करूंगा तो शायद वो बढ़िया हो सकता है। और ये क्या कर दिया इन्होंने? हेलो सर। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल इनके बॉस से बात हो चुकी है और इसकी बातें सुनने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि सर आप बस हमारे साथ थोड़ी देर के लिए कॉर्पोरेट करिए, हम बस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमारी बिल्डिंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इनका सर्वर डेटा चोरी हुआ है और किसी ने खबर दी है कि वो सर्वर डेटा यहाँ पे इस घर में ला के रखा गया है। ये पक्का डगन बॉस केयर करता है, वो बस हमें फंसाना चाह रहा है, लेकिन वो सर्वर डेटा हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था तो हमें कोई चिंता वाली बात नहीं। हो हेलो ए मत कर मेरे पे, ठीक है ना, अभी डर नहीं लग रहा। वैसे यार इन लोगों ने ना पूरे के पूरे घर में एकदम कबाड़ इधर से उधर उठा के फेंक दिया है, मतलब इम्पोर्टेंट सामान कबाड़ की तरह फेंक दिया है और अच्छे से भाई एक एक जगह चेक करने में लगे हैं। फ्रिज खोल के चेक कर रहे हैं, कोई वहाँ पे गैस स्टॉक चेक कर रहा है। भाई 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 इतनी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर इन्हें कुछ मिलने नहीं वाला है यहाँ से। और यहाँ पर भी अच्छे से चेकिंग चल रही है भाई, पूरा टेबल चेयर सब कुछ उठा के इधर से उधर फेंक दिया है और स्वैट सोल्जर्स ने भाई पूरा घर चारों तरफ से घेर रखा है ताकि हम लोग यहाँ से कुछ लेकर भाग भी ना पाए। ढूंढ लो भाई ढूंढ लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे वेट, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ऊपर लेस्टर तो है वो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यार ऊपर ना अंडरवाटर माफिया भी है, अगर इन लोगों ने उसे देख लिया ना तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है अपने लिए, क्योंकि हमने उसे बेमतलब अपने घर में किडनैप करके रखा हुआ है। कहाँ से आ रहे लोगों से ना ढूंढ पाए भाई। हेलो, इधर उधर इतना सारा सामान उठाकर फेंक दे, एटलीस्ट बुक्स तो मत फेंको यार, उसकी तो रिस्पेक्ट करो। मतलब यार इतनी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पेंटिंग वहाँ से उठा के इधर रख दी कि कहीं दीवार के पीछे तो कुछ नहीं छुपा रखा। मैं घर के बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लो, मुझे तुम्हारा टाइम नहीं खराब करना, जल्दी से इन्वेस्टिगेट करो और यहाँ से निकलो। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली पूरे के पूरे एक घंटे बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और ये जितने भी FIB एजेंट्स हैं ये सारे के सारे अपनी स्वैट आर्मी के साथ यहाँ से वापस जा रहे हैं। चलो भाई बाय बाय, यहाँ पे दोबारा वापस मुड़ के कभी भी मत आना, ठीक है ना? तो चलो भाई, ये तो सारे के सारे अपना निकल गए और अभी भी अंदर आधे से ज्यादा आर्मी बची है जो कि यहाँ से जा रही है। फटाफट तुम भी निकल लो भाई। फाइनली यार आज तो बच गए पता नहीं कैसे भाई, कसम से वरना हालत खराब हो गई थी भाई। एक मिनट, इतने तो बंदे अंदर गए भी नहीं थे जितने यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। चलो ठीक है यार, जितने थे सारे अभी जा चुके हैं, सबको ऑर्डर आ गया यहाँ से वापस जाने का। वैसे यार आज तो हम लोग जैसे तैसे बच गए, वरना ये जो FIB के एजेंट्स थे ना ये थे तो बहुत डेंजरस। बाय चांस इन्हें अपने घर में उल्टा सीधा कुछ मिल जाता ना तो आज ये लोग पक्का हमें यहीं पर मार के जाने वाले थे, क्योंकि अपने पास कोई गन भी नहीं थी जिससे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएं। फिलहाल जो हुआ ठीक हुआ, ये लोग अपना यहाँ से जा चुके हैं, बट हमें नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर रहना है, अपने पास गन्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने हमें साफ साफ वार्निंग दी है कि तुम हमारी परमिशन के बिना शहर को नहीं छोड़ सकते अगले एक महीने के लिए। तो हो सकता है ये लोग हमारे घर पर दोबारा ढूंढा ढांडी करने आए या फिर हमें मारने के लिए भी आ सकते हैं। तो भी पहले ना मैं ऊपर आ चुका हूँ, मुझे लेस्टर से बात करनी है। लेस्टर कहाँ पर है? उसको कहीं पकड़ के तो नहीं ले गए लोग? ऐसा नहीं हो सकता यार। वेट एक मिनट, लेस्टर इसी कमरे में रेस्ट कर रहा था बट अभी वो यहाँ पर नहीं है। एक बार चेक करता हूँ अंदर अंडरवाटर माफिया है। ओके, ये तो अपना चुपचाप यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है, इसको तो मस्त एकदम मार पीट के इंजेक्शन लगा के बेहोश कर रखा है। ये अपना यहाँ से निकल पाया बट उन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी क्या यार? क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पे सारा सामान इधर से उधर उठा के फेंक दिया है बट ऊपर वाले फ्लोर पे तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग आए ही ना हो। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वो तगड़े एजेंट से भाई पूरा घर छानबीन के जाएंगे बट मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा यार। एक बारी ना मैं लेस्टर के रूम में मींस जिमी के रूम में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जब से लेस्टर इस वाले घर पे आया ना वो हमेशा जिमी के कंप्यूटर पे बैठ के काम करते रहता है, बट यार आज तो वो यहाँ पर भी नहीं है। तो फिर आखिरकार लेस्टर गया कहाँ पे? वेट, अभी मेरे को किसी की आवाज़ है। वो देखो फोन पे बात करता हुआ अपना नीचे जा रहा है फुल मस्ती में। भाई साहब ये अलग ही प्राणी है, रुक जाओ मैं इससे ना नीचे ही जाके बात करता हूँ आखिरकार क्या सीन है। लगता है लेस्टर अपना यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहा है। वाओ, बाहर इतना सब कुछ हो गया और ये तो ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे इसने कुछ देखा ही नहीं। और ये देख भी क्या रहा है भाई? पता नहीं ऐड आ रही है या फिर कोई शो आ रहा है, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा। रुक जाओ यार, पहले चैनल चेंज करो, कुछ ढंग का लगाओ। वैसे कुछ देखने क्यों यार, टीवी बंद करो, अभी मुझे इससे यहाँ पर बैठ के बात करनी है, आखिर ये सब क्या था। ओके, तो अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस
इसको पहले से ही मालूम था कि आज यहाँ पे FIB आने वाली है, क्योंकि इन भाई साहब जी ने जान मूझ के खुद से ही उन्हें यहाँ पे बुलाया था। मीन्स इसने एक फेक नंबर से उन्हें कॉल करा और बोल दिया कि इस घर में जो बंदा रहता है ना, वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और हो सकता है तुम्हारी फाइल्स उसी ने चुराई हो। क्योंकि FIB को हमारे ऊपर पहले से ही शक था और इसके बाद के बाद वो हमारे ऊपर मीन्स हमारे घर में ढूंढा डांडी करने के लिए आए, और जब ढूंढा डांडी करने पे उन्हें कुछ ना मिले तो उनका शक हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाए, जो कि हुआ। वो लोग यहाँ पर आए, फिर चुपचाप से बेचारे यहाँ पर चले गए। भाई साहब लेस्टर क्या ही दिमाग लगाता रहता है। लेकिन यार ये बात इससे हमें पहले ही बतानी चाहिए थी। बाय चांस अगर मेरे पास कोई गन वगैरह रहती मैं तो ठोक देता यार FIB वाले बंदों को। बट ठीक है यार, मेरे पास सही है, गन्स वगैरह नहीं थी और मैंने उन्हें कुछ कहा भी नहीं, वरना तो यार लेने के देने पड़ जाते। फिलहाल अभी ना जल्दी से वाली गाड़ी में ले जाकर पहले तो अपने गैराज में खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि इसकी बैक में यार जो पैसे मैंने रख दिए थे। वैसे मुझे मालूम है आप लोग क्या सोच रहे हो इतनी देर से कि आखिर हम लोग इस वाले घर में क्या करने के लिए आ गए ना, मैं भूल ही गया था आपको बताना। ये सब यार लेस्टर ने करवाया। लेस्टर कह रहा है कि वाले घर में रहना अपना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो जो घर है वो मार्टिन मद्राजो का घर था ना यार, उसी ने दिया था। तो लेस्टर कह रहा है इसमें नहीं रहना, यहाँ से निकलो। और जैसे लेस्टर ठीक हुआ उसके बाद हम लोग सीधा यहीं पर आ गए थे अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर। फिलहाल हाँ मुझे ना अपना यार थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि लेस्टर ने मुझे साफ साफ बोला है कि हो सकता है FIB के एजेंट्स हमारा पीछा करे। मेनली हमें कोई छोटा मोटा क्राइम भी नहीं करना है। ये जो आते जाते हम किसी के भी मुक्का बजा देते हैं, किसी की भी गाड़ी छीन लेते हैं ना, ये भी नहीं। क्योंकि लेस्टर ने हमें साफ साफ बोला है हो सकता है FIB के एजेंट्स हमारा पीछा कर रहे हो। और वेट, ये मैं बाइक लेकर कहाँ पर जा रहा हूँ? मुझे अभी लेस्टर ने ये भी बोला है कि मुझे अपने सारे काम निपटा लेने हैं, क्योंकि उसने पूरा प्लान बना लिया है कि किस तरीके से मैं ट्रेवर को बचा के लाना है और किस तरीके से डगन बॉस और एल रूबियो का खेल ख़त्म करना है। तो उसका काम करने के लिए हमें पहले थोड़े बहुत अपने काम निपटा लेने होंगे, ताकि अगर वो एजेंट्स हमारा पीछा कर रहे हो तो उनका भी डाउट क्लियर हो जाए और हमारा भी कोई नुकसान ना हो अपने बिजनेस में। तो फटाफट से पहले वहाँ पर चलते हैं। वैसे भी मैं जाने वाला हूँ सीधा उस जगह पे। आप लोग को याद होगा कुछ टाइम पहले हमने कुछ कार्स की डील करी थी ना, वो कार्स अभी तक अपने फरारी वाले न्यू शोरूम पे पहुंची ही नहीं है। वो कार्स बस मुझे पता करनी है आखिर वो लोग भेज भी रहे हैं या फिर नहीं। तो वो कार वहाँ पर पहुँचानी है, फिर उसके बाद सीधा ट्रैवर को बचाने के मिशन में जुट जाना है सही से, क्योंकि भाई ट्रैवर इस टाइम पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल हम लोग अपनी बाइक लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा उस गैराज पे, जहां से मुझे वो सारी की सारी कार्स पिक करनी है और लेकर जानी है अपने नए वाले फरारी शोरूम में। बट यार मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा कि उन लोगों ने खुद बोला था कि हम लोग उसी दिन तुम्हारी सारी कार्स खुद पहुंचा देंगे, बट आज पूरा एक हफ्ता हो गया कोई भी गाड़ी हमारे शोरूम पे नहीं पहुंची है। वैसे यार एक बार आप लोग इधर ध्यान से देखो, कहने का तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है और इधर एक से बढ़कर एक गाड़ी खड़ी हुई है ये, लेकिन मैं अपनी बाइक लेकर कहाँ पे आ गया हूँ? मुझे उस गैराज में जाना है, और लास्ट टाइम भी मेरे को गैराज का रास्ता पता नहीं था, मैं पता नहीं कैसे पहुँच गया था। बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे अपनी बाइक लेकर कहाँ पे जा। हाँ इतना मुझे याद है कि वहाँ पर कुछ रेलवे ट्रैक्स गए हुए थे, तो हो सकता है ये वाला जो रेलवे ट्रैक है ये भी वहीं पर जाता है। इधर दो बंदे बैठे, खैर इनको खुद कुछ नहीं पता होगा, मुझे अपनी बाइक लेकर खुद ही जाना होगा ढूंढने के लिए। वेट, अभी यहाँ पर ऐसे भी ट्रैक जा रहा है, एक ट्रैक लेफ्ट में भी जा रहा है, इधर को लेकर चलता हूँ, क्योंकि कोई बड़ा सा वेयर हाउस था, मैं कंपनी का नाम भी भूल गया। बुरा सेंट्रल मिलिंग कंपनी, लेट्स गो, हमें यहीं पर आना था। और अभी हम लोग इस जगह पर पहुंच चुके हैं और ये रहा गाइस वो एंट्रेंस जहाँ से हमें अपनी बाइक लेकर अंदर जाना है इस वेयर हाउस में। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं। शटर अपना एकदम मस्त खुल गया है। मैं अपनी बाइक लेकर अंदर जाऊं या फिर पैदल जाऊं मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। बाइक लेकर ही चलते हो, छोड़ो, लेट्स गो भाई, क्या ही मजा आता है अंदर। अभी देखना यहाँ पे ना थोड़ा सा अंधेरा है, अपनी बाइक की लाइट्स ऑन कर लेते हैं। और ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस के सबसे बड़े अंडरग्राउंड गैराज में। वैसे ये कोई अंडरग्राउंड गैराज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पार्किंग है। वेट, ये पार्किंग में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जहाँ पर पूरे टाइम एकदम मस्त रेस लगते रहते हैं रेसर्स की। भाई एक से एक कार से लोग यहाँ पर लेकर आए हुए हैं और क्या ही पूरे दिन एंजॉय करते रहते हैं। रुक जाओ, मैं भी इनकी रेस का हिस्सा बन रहा हूँ, लेट्स गो। अभी हम लोग थोड़ा बहुत इनके साथ रेस लगाने वाले। भाई भाई भाई, बहुत ज़्यादा तेज ड्राइव कर रहे हैं यार ऐसे, मतलब अपनी बाइक की स्पीड भी कोई कम नहीं है, बट उसके हिसाब से ये लोग अपनी कार्स को बहुत अच्छे से चला रहे हैं और बहुत तेज चला रहे हैं। रुक जाओ, इसको तो मैं पीछे करके रहूँगा। चल भाई चल, तू निकल यहाँ से अपना। और भाई ओ वेट, ये ठोकेगा भाई, रुक जाओ, एकदम बगल में ही ले आए गाड़ी घुमा के। ट्रैक कहाँ पर है यार सारे के सारे? ओ ये है रास्ता, मतलब वाइट लाइंस के बीच में गाड़ी चलानी है। भाई यहाँ पर ना कभी आएंगे यार हम लोग भी रेस करने, कोई बढ़िया सी कार लेकर, फिर बहुत ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि कार की रेस हो रही है
पर मैं बेमतलब इनके बीच में अपनी बाइक घुसेड़ रहा हूँ। तो अभी फिलहाल अपनी गाड़ी भाई रुक जाओ, कितनी बुरी तरह से अपनी बाइक ठोक दी भाई, पूरा डेंट आ गया आगे। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल अपनी बाइक, अरे एक और कार आ रही है, रुक जा भाई तू अपना जा। हाँ वैसे मैं यहाँ पर किसी और काम के लिए आया हूँ, मुझे ये सारी की सारी गाड़ियाँ पता करनी है इन्होंने डिलीवर क्यों नहीं करी, और मैं अपना अलग ही मस्ती में रेस में लगा पड़ा हूँ। फिलहाल गाइस इधर देखो, लैम्बोर्गिनी से आ रहा है, लिमिटेड एडिशन कार भी हमें मिलने वाली है। अपनी वाली तो आपको पता ही है यार, घर पे ही ब्लास्ट हो गई थी, मतलब किसी ने जानबूझ के उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट ठीक है यार, अब ये कार हमें वापस मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर, ओ वेट, ये कौन सी कार है यार, एक सेकेंड, ये कार तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं अंदर जा सकता हूँ ना, मैं टाप के चल लेता हूँ एक बार अंदर, मुझे पता कर आना है आखिर ये कौन सी कार है। भाई साहब क्या ही तगड़ी लुक है इस कार की, बिल्कुल मतलब लैम्बो जैसी तो नहीं है, उस टाइप की है थोड़ी सी, बट काफ़ी सही लग रहा है इस गाड़ी का इंटीरियर भी। एक बार ही ना अच्छे से हम लोग चेक करते हैं। ओ वाह, सब कुछ एकदम वर्क कर रहा है इसका, रेडियो वेडियो भाई लेट्स गो, ये गाड़ी तो एकदम मस्त, मैं चलाने वाला हूँ भाई। फिलहाल अभी ना मेरे को चल के उन बंदों को ढूंढना है जो यहाँ पर रहते हैं, लास्ट टाइम उनसे मेरी बात हुई थी, शायद सामने खड़े हैं, रुक जाओ मैं अपनी बाइक लेके ना सीधा उनके पास चलता हूँ। पर अभी डायरेक्ट मुझे पता करना है, क्योंकि जो इनका मेन बॉस था, जिसकी ये सारी गाड़ियाँ हैं, जिसका पूरा गैराज है, उसने बोला था कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, जो डायमंड कैसीनो है वो तुम्हें मेरे नाम करवाना है, और तुम उसके बदले सारी गाड़ियाँ, ये पूरा गैराज तुम्हारा हो जाएगा। मैं हेलमेट क्यों पहन रहा हूँ, मुझे लाइट्स बंद करनी है। हेलमेट उतार के अभी जल्दी से हम लोग ना इनसे बात करने के लिए चलते हैं। वेट, यहाँ पर तो पूरी शॉपिंग वॉपिंग चल रही है, ये लेडी यहाँ पर जूते खरीदने आई है, कपड़े खरीद रहा है, शायद यहाँ पर रेसिंग से पहले सब जरूरी होता है। और इससे मेरी इससे बात हुई थी और इससे बात हुई थी, इससे बात कर लेते हैं पहले हम लोग। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी इससे बात हो चुकी है, और ये कह रही है कि कार्स डिलीवर करना भूल गई थी, बट अभी फिलहाल इसने अपने वर्कर्स को फोन करके बोल दिया है, और ये कह रही है कि आप बस बाहर 15 मिनट वेट करो, सारी की सारी गाड़ियां ट्रक पे लोड करा के आपके शोरूम तक छोड़ कर आने वाले हैं अभी के अभी। लेट्स गो, फिलहाल हम लोग अभी यहाँ से बाहर चलते हैं। वैसे मेरा मन तो नहीं है, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर जाकर अपना आराम से रेस करूँ, बट हाँ यार खाली पीली एक्सीडेंट हो जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे, यहाँ पर कार रेस ही बढ़िया रहते, कार लेकर आएंगे तो रेस करेंगे, फिलहाल अभी बाहर चलते हैं। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर इस गैराज से बाहर आ चुका हूँ। बट वेट अ सेकेंड, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इस कार को मैं यहाँ पर तीसरी से चौथी बार देख रहा हूँ। भाई कहीं इस कार में वो FIB एजेंट्स तो नहीं है जो हमारा पीछा कर रहे हैं? नहीं यार ऐसा नहीं होगा, वो कार तो बंदा यहाँ से लेकर चला गया, पीछा कर रहा होता तो पीछे ले आता ना फिर गाड़ी। खैर छोड़ो, अभी ना फिलहाल मुझे अपनी बाइक लेकर यहाँ से निकलना चाहिए, बट इस साइड का जो रास्ता है वो तो इन ट्रक वालों ने ब्लॉक कर रखा है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लोग ही अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर लोड करवाने के लिए आए हैं, इतने सारे लोग हैं, जल्दी से जल्दी सारी की सारी गाड़ियाँ लोड जाएगी और उसे हम लोग अपने शोरूम पर ले जा पाएंगे। फिलहाल मुझे ना कंफर्म करना है एक बारी कि क्या वो लोग सही में मेरा पीछा नहीं कर रहे, क्यों? वेट, भाई 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 कसम से ये लोग अभी मुझे लग रहा है कि भाई सच्ची में पीछा कर रहे हैं। मैं एक बारी ना अपनी बाइक को इस गली में लेकर जाता हूँ, और अगर ये लोग यहाँ पर भी ले आए ना तब तो 100% प्रूफ हो जाएगा कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। नहीं यार वो लोग, मैं खाली पी ली उनके ऊपर शक कर रहा हूँ। भाई वो लोग आ गए अपनी गाड़ी लेके, भाई वेट, ये FIB के एजेंट्स यार सच्ची में बहुत ज़्यादा ही डेंजरस निकले, यानी कि लेस्टर ने बिल्कुल सही बोला था कि हो सकता है वो मेरा पीछा करे, और वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। सही है कि मैंने उसकी बात को सीरियस लिया, और अभी तक मैंने कोई भी गलत काम नहीं करा, किसी बंदे को मारा वारा भी नहीं है, और उल्टा अभी तो मैं वेपन्स खरीदने जा रहा था। सही है मैं वेपन्स खरीदने नहीं गया, वरना अगर ये लोग देख लेते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, और मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग अभी पीछा नहीं कर रहे। बट एक बार आप लोग ध्यान से देखो, वो लोग अपनी गाड़ी मेरे अगल बगल ही घुमाए जा रहे हैं, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ वो लोग अपनी कार लेकर फटाफट से वहाँ पहुँच जा रहे हैं। मैं लोकेशन कैसे ट्रैक कर रहे हैं, रुक जाओ एक बार ना, मैं अपनी गाड़ी को थोड़ी पतली गलियों में घुसेड़ता हूँ, फिर देखता हूँ ये लोग अपनी कार कैसे लेकर यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसी ऐसी जगह से बाइक निकालूंगा ना पता भी नहीं होगा इन्हें रास्ता, वैसे मुझे खुद नहीं रास्ता पता यार, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। वेट, हाँ ये वाली गली में चलते हैं, पता नहीं उन लोगों ने देखा या नहीं, बट ठीक है अभी शायद से वो लोग मेरे को खो चुके हैं, मैं अपना चुपचाप से यहाँ से निकल गया हूँ। और इधर तो भाई फुल काफ़ी सारी काम वगैरह, एक आध गोली चला देते हैं उन्हें, एक ओ तेरी तो बाहर, मुझे पता नहीं था रास्ता, मतलब गेट वेट खुला होगा, मैंने खाली पीली फायर करा यार चुपचाप निकल, क्यों मजे ले रहा हूँ यार मैं उनसे, पूरा प्लान फेल हो जाएगा, लेस्टर को भी हमें बचाना है। और सामने एम्युनिशन की शॉप आ गई, फटाफट से ना वेपन्स भी खरीद लेते हैं, मेरे पास भाई कुछ भी गन वगैरह नहीं है, बस एक सस्ते से पिस्टल है। अरे
ये तो वेपन की शॉप बंद पड़ी है। ए अच्छा नहीं 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 राइट साइड में है। तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक यहीं पर खड़ी करता हूँ और जल्दी से चलते हैं हम लोग सीधा एम्युनेशन की शॉप में। अगर एक आध M416 भी मिल जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हेलो, अबे खुल क्यों नहीं रहा? साफ साफ लिखा हुआ है ओपन ऑल वीक 24 आवर्स। और वैसे भी एम्युनेशन की जो शॉप है लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी शॉप है, ये पूरा वेयर हाउस है। पर पता नहीं यार ये बंद क्यों रखा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। खैर छोड़ो यार, मुझे किसी दूसरी शॉप पे जाना होगा क्योंकि यार इस टाइम पर अपने पास वेपन्स होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर भी शूटिंग रेंज लिखा हुआ है ओपन है। ओवे वेट भाई साहब, ये लोग अपनी कार लेकर यहाँ पर भी पहुँच गए। मैं वापस जा रहा हूँ यार सीधा उस जगह पे जहाँ पर अपना गैराज है। और भाई 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 वेट, इधर क्या चल रहा है? हेलो, अच्छा नाइट क्लब में जाने के लिए पूरी की पूरी भीड़ लगी हुई है। वही मैं सोचू इधर ऐसा क्या आ गया, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, वो सारे के सारे बंदों ने लाइन लगा रखे हैं अच्छा नीचे क्लब में जाने के लिए। फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ भाई वापस, तुम गाड़ियाँ लोड कराओ और मैं फटाफट से इन गाड़ियों को लेकर पहुँचता हूँ अपने शोरूम पे। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 वर्कर्स ने इतनी सारी गाड़ियाँ 10 मिनट के अंदर ही अपने ट्रेलर पे लोड करवा दिया है। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग इन सभी कार्स को लेकर निकलते हैं सीधा अपने शोरूम के लिए। बाकी यार सीधी सी बात है, इतने सारे ट्रक हम लोग अकेले ड्राइव नहीं कर पाएंगे, तो जिन लोगों ने गाड़ियाँ लोड करवाई है ना वही लोग अपने साथ चलने वाले हैं अपने शोरूम पे, बस मुझे उन्हें रास्ता दिखाना होगा। और हेलो भाई साहब, क्या हो गया भाई? ये सारे के सारे बंदे मिलके इस जोकर को मार क्यों रहे हैं बहुत बुरी तरह? एक सेकंड रुको, निकल यहाँ से, निकल लो अपने अपने घर निकल लो। सुबह सुबह अरे भाई मेरे को कैसे मारा इसने, निकल तेरी ऐसे की तैसे, रुक जाओ अब निकल ले तू, चुपचाप निकल ले। और हेलो तू भी निकल ले। खाने पीने सुबह सुबह लड़ रहे हैं, बट ये मैंने क्या कर दिया, FIB के ऑफिसर्स मेरा पीछा कर रहे थे, अब बस उन लोगों ने ये चीज़ ना देखी हो। फिलहाल दूर दूर तक मुझे उनकी कोई गाड़ी नहीं नज़र आ रही। मैंने यार बस यहाँ पर एक छोटी सी लड़ाई छुड़वाई है, वो गन के ऊपर एम मैंने उन्हें भगाने के लिए करा था बस। बाकी यार ठीक है, इतनी सारी गाड़ियाँ आज हम लोग अपने शोरूम पे लेकर जाने वाले हैं, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अपना जो नया वाला शोरूम है ना भाई, उसमें तो मेरे हिसाब से इतनी जगह भी नहीं है जितनी कार्स हम लोग एक ही बार में लेकर जा रहे हैं। तो चलो भाई फटाफट से ले आओ अपने ट्रक को, आराम से भाई, पोल था वहाँ पे, आराम से देख के लाओ। फिलहाल हाँ अभी जल्दी से हमें अपनी गाड़ी को यहाँ से राइट मोड़ना है, मीन्स अपनी बाइक को यहाँ से राइट मोड़ना है। और इतने सारे ट्रक हमारे पीछे आ रहे हैं भाई, मतलब अगर हम लोग काउंट करें तो कम से कम अभी अपने पीछे 4 ट्रक, चारों ट्रक में 6-6 कार्स हैं, और भी कुछ कार्स हैं जो कि बाद में आएगी, बट फिलहाल पहले ये लेके चलते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग अपनी बाइक लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा अपने नए वाले शोरूम पे। मैंने लमार को भी फोन करके यहाँ पर बुला लिया है क्योंकि यार वही है एक बंदा जो कि इस काम में अपनी सबसे ज़्यादा हेल्प करवा सकता है। तो उसका बस यही काम है कि वो सारी की सारी गाड़ियाँ जो है ना वो इस ट्रक पे से अनलोड करवा के शोरूम के अंदर करवा देगा। वैसे ये काम ये लोग खुद भी कर देंगे, बट लमार रहेगा तो थोड़ा ध्यान से हो जाएगा। और हेलो भाई साहब, आराम से चला लो, पीछे इतनी सारी गाड़ियाँ एक आध भी ठुक गई ना लेने के देने पड़ जाएंगे। फिलहाल हाँ हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बट लमार भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो जल्दी से अपनी बाइक हम लोग यहीं पर खड़ी करते हैं और जल्दी से चल के मैं लमार से एक बारी ना पहले बात कर लेता हूँ, उसको पूरा सीन बता देता हूँ। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल लमार से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दो, ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो है आराम से लोड करवा के मीन्स अनलोड करवा के शोरूम के अंदर करवा देगा। फिलहाल अभी अपना काम हो चुका है, अब मैं जल्दी से लेस्टर को फ़ोन करता हूँ और उसको बताते हैं कि आखिर कार ड्राइवर को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। मीन्स अभी हम लोग पूरा फोकस करने वाले हैं ड्राइवर के रेस्क्यू मिशन पे। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से कॉल पे बात हो चुकी है और ड्राइवर को बचाने के लिए उसने जो हमें पहला काम करने के लिए बोला है ना भाई, उसको तो सुन के ही थोड़ी बहुत हालत सी खराब हो रही है। अब यार देखो, इस टाइम ना अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ वेपन्स, क्योंकि अपने पास कोई भी गन नहीं है, सिंपल से भी गन नहीं है, मतलब कुछ पिस्टल्स हैं जिसमें भी पूरी एमो नहीं है। और सीन कुछ ऐसा है कि डगन बॉस ने ना लॉस सैंटोस का पूरे के पूरे सैन एंड्रियास की जितनी भी एम्युनिशन शॉप थी वो सारी बंद करवा दी, और उसके अंदर के जितने भी वेपन्स थे ना वो सारे के सारे खुद अपने पास मंगवा लिए हैं, क्योंकि इसको मालूम है कि हमें वेपन्स यहीं से मिलते थे, और अगर हमें वेपन ही नहीं मिलेंगे तो डगन बॉस को सारा मतलब सारा खतरा ही उसका ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें वेपन्स का जुगाड़ करना है और वेपन्स हमें मिलने वाले हैं मिलिट्री बेस में। तो लहसुन ने मुझे बोला करेक्ट 3:30 बजे जो सैन एंड्रियास वाला ब्रिज है ना उसके नीचे से एक मिलिट्री का ट्रक जाएगा, उस मिलिट्री के ट्रक पे हमें उस ब्रिज के ऊपर से कूदना है
वैसे वो ब्रिज मैंने आपको सही से बताया नहीं, एक मतलब हाईवे पे ब्रिज है, पहले वहाँ पर चलते हैं। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार मैं चलते ट्रक पे कैसे कूद जाऊँगा एक ही बार में। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि बस वो ट्रक रुके, मैं उस ट्रक के अंदर कूदूं, फिर हम लोग उसमें बैठ के मिलिट्री बेस जाएंगे और वहां से चुपचाप से वेपन चुरा के हम निकल लेंगे। फिर उसके बाद लेस्टर अगला काम बताएगा। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेके सीधा उस ब्रिज पे पहुंचने वाला हूँ जिसके नीचे से वो मिलिट्री का ट्रक होता हुआ जाएगा और मुझे उसके ऊपर जंप मार के उसमें से वेपन चुराने हैं। तो गाइस यही है वो वाला ब्रिज। तो फिलहाल अभी ना मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ, मुझे अपनी बाइक यहीं पर रोकनी चाहिए और कोई ऐसा तरीका मुझे ढूंढना है कि जब मिलिट्री का ट्रक यहाँ पर आए तो मैं उसे किसी तरीके से रोक दूँ और उसे मेरे ऊपर शक भी ना हो कि ट्रक किसी ने जान मुझ के रुकवाया है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि हम लोग यहाँ पर उस टाइम पे ट्रैफिक जाम लगा दें। तो ट्रैफिक जाम लगाने के लिए मुझे गाड़ी छोड़ो, पीछे पूरी की पूरी बस आ गई। हेलो हेलो, वेट अंकल, एक बार बाहर निकलो, वैसे आपकी बस का पूरा शीशा वगैरह टूटा पड़ा हुआ है, कहीं से बहुत बुरा एक्सीडेंट करवा के आ रहा है। चल भाई चल बाहर निकल, तेरा बहुत हो गया। अब ये बस आज से मेरे भी, पैसेंजर भी एक ही था बस में, वो भी पैसेंजर नहीं, मेरे को कंडक्टर लग रहा है। ठीक है यार, जो भी हो, अभी हमें बस मिल चुकी है। हम लोग एक लेन क्या पूरा का पूरा रोड ब्लॉक कर सकते हैं, तो क्या दिक्कत हो रही है तेरे को? जाना तेरी, एक सेकेंड यार, दो मिनट यार, पहले ना मैं इसकी थोड़ी सी बैंड बजा दूँ। हाँ क्या हो गया, निकल यहाँ से, चुपचाप एक और खाएगा, एक और ले फिर, अब चुपचाप यहाँ लेटे रहे, ठीक है, ये ले एक लात भी ले ले, बट अभी फालतू मत बोल क्योंकि ये काम अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ भी करके आज वेपन्स सही हैं भाई, किसी को नहीं मारा भाई, वो ट्रक के पीछे पड़ी हुई है पुलिस। मुझे भाई आज कसम से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि बस FIB वाले मेरे ऊपर बरस ना जाए। ठीक है गाइस, सब कुछ एकदम ओके चल रहा है, बस का इंतज़ाम एकदम मस्त हो चुका है। अभी जैसे आएगी ट्रक मैं बस को यहाँ पर आगे ले जाके लगा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इस बस से बाहर निकल जाते हैं, काफ़ी घटिया तरीके से मैंने बस खड़ी करी है। और अभी मुझे अगर पता करना है ना ट्रक कैसे आने वाला है, नीचे से पता करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। एक काम करता हूँ, हम लोग ना सीधा ब्रिज के ऊपर चलते हैं, अपनी बाइक में यहाँ पर घुमा के खड़ी कर देता हूँ, रुक जाओ, एकदम मस्त तरीके से। तो ये अपनी बाइक खड़ी हो गई, अभी हम लोग बाइक में से निकलते हैं और एम्बुलेंस आ रही है, रुक जाओ, शायद उस बंदे को किसी ने रिपोर्ट कर दी होगी। बस लेके मत चले जाना, बस इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। तो पैरामेडिक्स आ चुके हैं उसका ध्यान रखने के लिए। फिलहाल अभी ना बस मुझे यहाँ पर बैठ के इंतजार करना है उस ट्रक के आने का, और ऐसा इंतजार नहीं करना कि वो जब आ जाए तब मैं नीचे जाऊँ। मुझे बहुत पहले से ही पता होना चाहिए कि ट्रक आने वाला है, इसीलिए मैं अपने साथ ही बिनाकुलर्स लेकर आया हूँ। ये देखो, अपना आराम से हम लोग दूर तक जूम करके देख पाएंगे कि ट्रक आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, और जैसे ही आएगा मुझे बस से रोड को ब्लॉक करना है और बस अपना काम हो जाएगा एकदम मस्त वाला। फिलहाल अभी मुझे दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा। गाइस देखो, अभी ना फिलहाल मुझे दूर से एक मिलिट्री का ट्रक आता हुआ तो नज़र आ रहा है और उसके ऊपर शायद से वेपन्स भी लोड हो रखे हैं। मुझे तो लग रहा है कि यही वो वाला ट्रक है जिसका हम लोग यहाँ पर इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लेसर ने हमें जो टाइम दिया था ये एग्जैक्ट उसी टाइम पर आ रहा है। फिलहाल अभी मुझे जल्दी से अपनी बाइक लेकर नीचे जाना चाहिए और बस के अंदर बैठ के मुझे रोड ब्लॉक करना होगा, क्योंकि अगर ये निकल गया तो भाई अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। लेट्स गो, थोड़ी कम स्पीड में है वो, अपने को टाइम मिलेगा अपना पूरा काम करने का। तो वो उस वाली लेन पर आ रहा है और उस लेन पर मेरे हिसाब से कोई भी गाड़ी नहीं है। निकलो, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए भाई, मैं कोई एक्सीडेंट नहीं चाहता इस टाइम, बस निकल लो, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया ना तो ज़्यादा ट्रैफिक जैम लग सकता है। ओके गाइस, मस्त एकदम बस से हमने रास्ता ब्लॉक कर दिया है, अब जल्दी से मुझे अपनी बाइक लेकर ऊपर जाना है क्योंकि टाइम आ चुका है ट्रक में जंप मारने का। ओ भाई, वेट भाई, अगर ये जंप फेल हुई ना तो कसम से बहुत तेज चोट लगने वाली है। फिलहाल अभी मैं फेंस टॉप के इस साइड आ गया हूँ, ट्रक एकदम मस्त नीचे खड़ा हुआ है जैसा हमें चाहिए था, और अभी बस मुझे 3-2-1 के काउंट पे जंप मारनी है। 3-2-1 लेट्स गो, ये मैंने एकदम मस्त जंप मार दिया है, मैं नीचे आके ट्रक में बैठ चुका हूँ, लेट्स गो। और इसने अपना ट्रक भी चला दिया, भैया मेरे को गिरा मत दियो, बट ये ना अभी बस को ठोक ठोक के बेचारा तिरछा करने में लगा हुआ है। बाकी बंदे भी यहाँ पर आ गए हैं जो कि ट्रक को ठोकने में, मीन्स बस को ठोकने में लगे हुए हैं। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल इसने टक्कर मार मार के बस को बिल्कुल टेढ़ा कर दिया है और फाइनली अपना जो ट्रक है वो यहाँ से चल चुका है। अभी मुझे ना चुपचाप से यहाँ पर जो तगड़े तगड़े वेपन्स पड़े हैं ना, ये सारे के सारे चुराने हैं। हर डब्बे में तगड़ी तगड़ी गन्स पड़ी हुई हैं, बस थोड़ा सा बैलेंस भी बना के रखना, क्योंकि बाय चांस इसने झटके से रेस दी या फिर ब्रेक दी तो हम लोग मुंह के बल नीचे गिरेंगे कसम से। गाइस अभी ना मुझे इन वेपन क्रेट्स में से बहुत तगड़े तगड़े वेपन्स मिल चुके हैं, फॉर एग्जांपल AK-47, M416, स्टन गन,
एड इंप्रूव स्नाइपर, जहाँ तक मुझे लगता है इतने में अपना काम हो जाएगा, मुझे और वेपन चुराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, उनकी जो बुलेट्स थी ना, मीन्स उसकी पूरी पूरी मैगजीन्स, वो भी मैं उठा उठा के इस वाले बैग में एक्स्ट्रा कैरी कर रहा हूँ। क्योंकि यार देखो, गन तो पूरे टाइम चलेगी, पर गन में जब गोलियां ही नहीं रहेगी तो उसका फायदा क्या। इसलिए जितनी ज्यादा अपने पास एम्युनेशन होगी, उतनी देर तक हम लोग तबाही मचा सकते हैं। तो अपना काम एकदम मस्त चल रहा है, चोरी पूरी हो गई है, अब बस पूरा बैग भर ले रहा है चोरी से। गाइस अभी ना फिलहाल इसने यहाँ पर आकर ट्रक की स्पीड थोड़ी सी कम करी है, मुझे लग रहा है मुझे अभी जंप कर जाना चाहिए, वरना मैं बाद में नहीं जंप कर पाता। ठीक है, फिलहाल सही टाइम पर हमने मस्त जंप मार दी, सारे वेपन्स अपने पास आ चुके हैं, मुझे जल्दी से रोड। ओ भाई अभी क्या पागल है क्या भाई, मैं आराम से रुकना चाह रहा था। खैर छोड़ो यार, किस्मत ही खराब है, फिलहाल अपने पास वेपन्स आ गए हैं, इससे ज्यादा बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अभी मुझे ना जल्दी से जल्दी यहाँ से कोई गाड़ी उठानी है और फटाफट से ना निकलना चाहिए मुझे सीधा लेस्टर के पास। वैसे उसके पास जाना नहीं है, मुझे पहले उसे कॉल करके बता देना चाहिए कि अपना प्रॉपर काम हो चुका है, वेपन्स अपने पास आ गए हैं, अब हमें आगे क्या करना होगा लेस्टर को बचाने के लिए वो बता। फिलहाल ये छोड़ो, भी मेरे को एक बहुत सही बाइक यहाँ से मिल चुकी है, जल्दी से बाइक पे बैठते हैं और लेस्टर को कॉल करते हैं और चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस की तरफ, क्योंकि शायद से लेस्टर अब जो प्लान बताने वाला है उसमें हम लोग ट्रैवर के पास ही जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा लॉस सैंटोस, और अभी ना मेरी लेस्टर से भी कॉल पे बात हो गई है। वो हमें कह रहे हैं कि आज रात अपनी कायो पेरिको आइलैंड की फ्लाइट है, हम लोग वहाँ पर ना घूमने के बहाने जा रहे हैं और हमें लेस्टर मीन्स ट्रैवर को कुछ भी करके रेस्क्यू करवा के ही वापस आना है। तो मेनली जो लेस्टर का प्लान है वो हर टाइम तो देखो भाई सक्सेसफुल जाता ही है, इस प्लान पे मैं पूरा विश्वास करके साथ साथ जाने वाला हूँ। फिलहाल उसने मुझे पहले बोला है कि तुम ना अपना पूरा हुलिया चेंज कर लो, क्योंकि हो सकता है डगन बोस या एल रूबियो के बॉडी गार्ड हमें पहचान ले। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ सीधा सैलून बार्बर की शॉप पे, यहाँ से अपने थोड़े हेयर वगैरह चेंज करवा लेते हैं, थोड़ा कलर वगैरह करवा लेंगे तो शायद हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। बाकी कपड़े वगैरह भी हमें थोड़े ढंग के देखने पड़ेंगे, जो अपने ऊपर एकदम मस्त भी लगे और थोड़ी लुक भी चेंज हो जाए। ओके गाइस, तो मैंने इसे बोला था कि मुझे ना अपनी लुक चेंज करवानी है, थोड़ी बहुत यंग लुक आ जाएगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन यार इस बंदे ने तो फेशियल वगैरह करके पूरा का पूरा बंदा ही चेंज कर डाला है। मतलब क्या यार, अभी ना देख के बिल्कुल भी नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने माइकल खड़ा हो। पूरे के पूरे हेयर स्टाइल छोड़ो यार, हेयर्स के कलर भी पूरे चेंज कर दिए हैं। वैसे हमें यही तो चाहिए था ना कि कोई भी माइकल को पहचान ना पाए। मुझे नहीं लगता अभी कोई पहचान पाएगा, क्योंकि भाई एक 40-45 साल का आदमी अब 23 ईयर्स का जो लग रहा है। फिलहाल अभी बस मुझे थोड़े से ना कपड़े चेंज करने हैं, क्योंकि वैसे कोई पहचाने ना पहचाने बट स्कॉट पैंट में जरूर पहचान लेगा। तो थोड़े से ना यंग एज वाले कपड़े भी हमें पहनने होंगे जो कि इस हेयर स्टाइल और इस फेस के साथ सूट करें। लेट्स गो गाइस, तो ये हम लोग अपनी बाइक लेके पहुंच चुके हैं सीधा सबर्बन, और यहां से हमें ना बढ़िया बढ़िया कपड़े मिल जाएंगे जो कि हमें चाहिए, और हमारे ऊपर मस्त एकदम सूट भी करेंगे। तो फटाफट से अपनी बाइक को यहाँ पर रोकते हैं और जल्दी से चलते हैं शॉप में, एकदम बेस्ट बेस्ट कपड़े हम लोग लेकर जाने वाले हैं। मुझे थोड़े उस टाइप के कपड़े चाहिए जो बंदे बीच वगैरह पे जाते हैं घूमने के लिए, उस टाइम पे यूज करते हैं। लेट्स गो, यहाँ से पता करते हैं कौन से क्लोथ्स हैं यहाँ पे। गाइस ऊपर के लिए शर्ट ना मुझे ये वाली ज्यादा बेटर लग रही है, तो ये परचेज कर लेते हैं। और अभी मुझे कुछ शॉर्ट्स देखनी होगी, एक ये वाली मैंने ट्राई करी है, यहाँ पर और भी काफी सारी हैं, देखते हैं इसके साथ कौन सी मैच कर रही है। वैसे सबसे ज्यादा यही वाली, व्हाइट वाली भी अच्छी लग रही है, बट हाँ ये वाली ज्यादा मैचिंग की है तो यही रहने देते हैं। तो ये भी होगी, अब बारी है ग्लासेस की, ग्लासेस देख लेते हैं भाई कौन से सही रहेंगे, बिल्कुल लुक एकदम चेंज करके जानी, कोई भी बंदा हमें पहचान ना पाए वहाँ पे। वेट, ये वाले काफी ज्यादा सही लग रहे हैं, पर ये कुछ अलग चीज है तो इसमें ब्लैक वाले ले लेते हैं। लेट्स गो, पूरा का पूरा अभी बंदा ही चेंज हो चुका है भाई, मैं खुद नहीं बचान पा रहा दूसरा बंदा क्या बचानेगा। ठीक है यार, अपनी पेमेंट वगैरह हो गई है, फटाफट हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधा। एक बार मेरे को लेस्टर को कॉल करना होगा कि आखिर कितने बजे की फ्लाइट है भाई, यहाँ पर कुछ हुआ क्या। उत्तरी, मैं वही कहूँ जब मैं शॉप में घुसा था ना, कुछ ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर, और अभी तक कोई फायर फाइटर एम्बुलेंस वगैरह नहीं आई। पता नहीं यार, लॉस सैंटोस का बुरा ही हाल है, पता नहीं कैसे पूरा का पूरा ट्रक ब्लास्ट हो गया, दो तीन बंदे यहाँ पर बेचारे मारे जा चुके हैं। खैर छोड़ो, अभी हम लोग जल्दी से अपनी बाइक लेकर ना कहीं साइड में चलते हैं, और एक बारी फटाफट से मैं लेस्टर को कॉल करके पूछता हूँ कि आखिरकार क्या सीन है, मैं घर आऊँ या
सीधा एयरपोर्ट जाऊं अभी। ऑलराइट, तो अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर कह रहा है कि अब तुम सीधा एयरपोर्ट ही चले जाओ क्योंकि टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है। 8 बजे की फ्लाइट ही है और उस टाइम 6:30 बज रहे हैं। अगर एक बार को हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर लेट पहुंच जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि जिस फ्लाइट से हम लोग जा रहे हैं ना, पहली बात तो ये फ्लाइट पहुंचाने में भी काफी ज्यादा टाइम लगाएगी क्योंकि इसे हम लोग नहीं उड़ाने वाले, इसका दूसरा पायलट है, उसमें काफी सारे पैसेंजर्स भी होंगे, तो टाइम से जाएंगे टाइम से पहुंचेंगे ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो फ्लाइट हमारे लिए वेट नहीं करेगी अगर हम लोग बाय चांस लेट हो जाते हैं। तो भी फटाफट से पहुंचते हैं सीधा एयरपोर्ट पे, बाकी जो बैग वगैरह है और वहां पर कौन क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है वो सब कुछ लेस्टर ने इंतजाम करा है। एक टाइप से हमारी VIP एंट्री है तो हमारी कुछ चेकिंग वगैरह नहीं होगी वहां पर ज्यादा। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे।